बुंदेलखंड को मिलना चाहिए अलग राज्य का दर्जा। बुंदेलखंड आजाद सेना ने दिया प्रधानमंत्री के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां पर आज बुंदेलखंड आजाद सेना के पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी बांदा को सौंपा गया। आपको बताते चले कि बुंदेलखंड आजाद सेना ने मांग की है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, जिससे बुंदेलखंड का भी विकास हो, क्योंकि बुंदेलखंड कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। यहां पर न ही किसी बेरोजगार के लिए नौकरी है और न ही कोई फैक्ट्री आदि है, और पानी बिजली की समस्याएं तो बनी ही रहती है। अगर बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो बुंदेलखंड भी देश के अमीर राज्यों में शामिल हो सकने में सक्षम हो सकेगा और भुखमरी गरीबी जैसी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इसलिए बुंदेलखंड आजाद सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। यह समय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ है, इसलिए इस समय सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है और सरकार के पास कोई बहाना भी नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि सोई हुई सरकार जल्द ही नींद से जाग जाएगी और एक सप्ताह के अंदर सरकार द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाए, अन्यथा 1 अगस्त के बाद पूरे बुंदेलखंड में एक आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज आप लोग किस प्रकार के मतलब समस्या को लेकर आप विज्ञापन देने आए? हम क्योंकि एक बड़ा गंभीर विषय है, बुंदेलखंड राज्य की मांग आज़ादी के बाद से ही उठ रही थी, और 1948 में बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा भी दिया गया था। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उस समय बुंदेलखंड राज्य का दर्जा छीन लिया गया। बुंदेलखंड में बेकारी है, भुखमरी है, पलायन है, बेरोजगारी है, उपेक्षित है, पीड़ित है, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। यदि बुंदेलखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए, यहाँ का अपना DM होगा, यहाँ का अपना CM होगा, चपरासी से लेकर CM तक यहाँ वैकेंसी होंगी और प्रशासनिक पद होंगे, संवैधानिक पद होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, उद्धार होगा। सरकार द्वारा निगम बनाने से सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पिछली 2017 के चुनाव में विधानसभा में माननीय उमा भारती जी, जो फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, हम बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दे देंगे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र में भारत सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुंदेलखंड को उपेक्षित कर रही है, इस पर कभी ध्यान नहीं दे रही, कुंभकर्णी नींद में सो रही है। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लगातार आज 10 साल से आंदोलन चला रहे हैं। इसके पहले भी हमारे महापुरुषों ने, शंकरलाल स्वर्गीय मल्होत्रा साहब ने और बाबू देव कुमार यादव ने आंदोलन की जो अलग जगाई थी, वो आगे तब तक जलती रहेगी जब तक बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। यदि राज्य का दर्जा बन जाए तो बुंदेलखंड में जो हजारों करोड़ रुपए टैक्स जाता है सिर्फ खनिज से, और तमाम वन संपदाएं हैं, यानी बुंदेलखंड को पूरी तरह से लोग खोखला कर रहे हैं, यहाँ का टैक्स सिर्फ यहाँ बचा दिया जाए तो बुंदेलखंड हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा अमीर राज्य का दर्जा पाने में कामयाब हो जाएगा। भुखमरी दूर होगी, लाचारी दूर होगी, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। सूरत गुजरातों में देख लीजिए, आधा उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है, लेकिन निकम्मी सरकारें बुंदेलखंड की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। हम उनको जगाने आए हैं जो सो रही हैं। इसके बाद हमने इस पर चूँकि स्पष्ट लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है और कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर कोई निर्णय ले लीजिए। 1 तारीख के बाद बुंदेलखंड आज़ाद सेना समूचे बुंदेलखंड में एक बड़े आंदोलन की ओर जा रहा है, जिसकी आज ये पूर्व घोषित जो थी उसके लिए सूचना दी गई है। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि सरकार जागेगी जो कुंभकर्णी नींद में है, और बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूर हो जाएगी। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या आश्वासन दिया है? मजिस्ट्रेट साहब ने, चूंकि उनका काम ही है जनता और सरकार के बीच की कड़ी, उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका ज्ञापन पहुँचाएंगे और आशा है वो पहुँचाएंगे भी।